हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सब लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू गेम प्ले में। तो भाई यहाँ पर हम फिर से हम नॉर्मली हमारा जो काम है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ काओ के पास। तो आज मैं सोच रहा हूँ मिल्क है जो वो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुका है हमारे पास। आपको एक बार मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, सॉरी मैं किस में कर लिया, प्रोडक्शन में कर लिया। यहाँ पर देखो अभी जो है हमारे काउस के पास फूड वगैरह खाना वगैरह है वो तो कम है, लेकिन जो मिल्क है ना वो 30,217 लीटर हो चुका है ऑलमोस्ट। इसमें मेरे हिसाब से 35,000 इसकी कैपेसिटी होगी मेरे आइडिया से। अभी तो ये फुल नहीं हुआ है लेकिन अभी 30,000 हुआ है। तो इस लाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसकी 30-35 हज़ार के आसपास कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको सेल करके देखता हूँ कि आज हमको कितना हमको मिलता है, ये मनी कितनी मिलती है मिल्क की, और फिर इसकी चॉकलेट वगैरह भी बनाएंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा मैं। तो यहाँ पर इसको खाना भी डालूँगा आज थोड़ा बहुत, तो वो तो पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास है भी नहीं है, अभी ग्रास भी नहीं है, तो वो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मिल्क लोड। तो मिल्क लोड करने का जो पॉइंट है ना वो ये वाला है, यहाँ पर आप टैंक लाओगे मिल्क की स्टोरेज लोड, तो यहाँ पर लोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इतनी दूर से ही साइन आ रहा है इसमें, यहाँ पर अगर पास में ज़्यादा पास भी ले जाने की ज़रूरत है नहीं, इसको इधर से भी आप लोड कर सकते हो। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर मिल्क का जो है वो आ चुका है साइन। अभी स्टार्ट करूँगा तो ये मिल्क लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं करता हूँ इसको स्टार्ट, तो अभी देखो इसको मिल्क है जो है लोड होना स्टार्ट हो गया इसमें, हो भी गया भाई बहुत ज़्यादा। इसकी जो है रेंज है, रेंज मतलब कि स्पीड है इसकी लोड करने की तो सही है। और अभी इसकी प्राइस देखता हूँ कि मिल्क की कहाँ पर बेस्ट प्राइस चल रही है। तो अभी नीचे ये रहा मिल्क, और यहाँ पर भी भाई बताता है कि कितना अभी आपके पास जो मिल्क है वो कितना लीटर बचा हुआ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो हर चीज़ की, यहाँ पर हर क्रॉप की भी या फिर मिल्क सलेरी वगैरह सब की आप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो मेरे पास वीट जो है वो 73,817 लीटर है। तो साइलो में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से देख सकते हो, या फिर मिल्क वाला है जो मिल्क फार्म में जाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से देख सकते हो। तो अभी इसकी प्राइस जो चल रही है ना वो बेकरी पे चल रही है $1,917, और जो डेयरी है उस पे चल रही है $2,017, और जो ये फार्मर्स मार्केट है इस पे चल रही है $2,021। तो फार्मर्स जो मार्केट है ना वो है जी यहाँ पर, यहाँ पर है मेरे हिसाब से, नहीं यहाँ पर नहीं है, हाँ ये रहा फार्मर्स मार्केट। तो और जो डेयरी वाला है वो देखना पड़ेगा किधर है, एक बार मैं लोकेशन करके देखता हूँ, जो नज़दीक है ना उस पे चलेंगे। और डेयरी में और उस वाले फार्मर्स मार्केट में ज़्यादा अंतर है नहीं, कोई 2-4 रुपये का है, यहाँ पे 17 है उस पे 21 है। तो यहाँ पर फार्मर्स जो मार्केट डेयरी वाला है वो है यही है क्या भाई, ये फार्मर्स मार्केट पर लोकेट हो गया, एक बार देख लेता हूँ मैंने किस पे किया है डेयरी पे, अब टैग नहीं किया मैंने टैग, हाँ अब कर दिया इसको टैग। तो ये इधर दिखा रहा है 531 मीटर, एक बार मैप खोल के देख लेता हूँ, तो ये पास में ही है, दोनों बराबर से ही पड़ेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। तो एक काम करता हूँ इसी पे चलता हूँ, इसको मैंने देखा भी नहीं अभी तक, तो इसी पे चलता हूँ। और अभी तो ये कोनोला है ये भी हार्वेस्ट करनी है भाई, अभी अभी तक रेडी टू हार्वेस्ट पे हुई पड़ी है। और अभी जो मेरा फार्म का हाल है ना वो बहुत बुरा हुआ पड़ा है, कोई चीज़ किधर है कोई किधर है, अभी मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ वो इस वजह से, क्योंकि जो मेरी गेम है वो आपको पता ही होगा, अगर मेरी वीडियो आप देखते हो तो आपको पता होगा कि वो क्रैश कर जाती है, चलती नहीं है। तो इस वजह से मैं गेम थोड़ी कम खेलता हूँ, और जो मेन पार्ट है ना वही आपको दिखाता हूँ। तो इस वजह से मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और हो सकता है कि फ्यूचर में सही कर लूँ मैं इसको, ठीक कर लूँ, और अगर क्रैश वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया तो, और अगर क्रैश वाला प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ तो भाई शायद ऐसा ही चलेगा।
उसके लिए तो कुछ कोई कर नहीं सकते भाई। यहाँ पर ये कॉटन का खेत लग रखा है किसी का, लेकिन इसमें वीड उग रखी है भाई ने। हर्बिसाइड नहीं किया इसमें, ना ही प्लोइंग किया। तो ये यहाँ पर हमारी शिप के पास भी बिल्कुल खाला है नहीं, वो ग्रास एक ही चीज़ है। काऊ के पास भी ग्रास नहीं है, ना हे है ना शिप के पास है। तो उस वजह से मैंने बड़े वाले फील्ड में प्लांट किया था कि हम शिप को भी डाल सकूं और जो हमारी काउस है उनको भी डाल सकूं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस वाले पॉइंट पे, अभी करता हूँ कि कितना मिलता है हमको। तो ये अनलोड होना शुरू हो गया भाई, और पैसे वैसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि 15,000 रुपये तो नहीं मिलेंगे, पर हाँ मिल गए भाई, 16,000 रुपये मिल गए। 8,000 लीटर था इसमें, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट कह सकते हैं इसको, ठीक है गुड। और अभी मैं एक इसकी प्राइस दिखाऊं अगर कितने तक जा सकती है। तो इसकी जो प्राइस है ज़्यादा मैक्सिमम 2,262 तक जा सकती है, वो सितंबर में जा सकती है भाई, और जनवरी में जा सकती है, उसके अलावा तो नहीं जाएगी। पर हमने भी काफ़ी सही भेजा है, काफ़ी इतना सस्ता तो नहीं दिया। 2,000 गया है हमारा जो मिल्क है, तो 200 रुपये का फ़र्क है, तो 200 रुपये में क्या ही होना था। 200 रुपये में एक मान लो कि 1,000 लीटर में 200 रुपये बस ज़्यादा कम हो गए, तो 8,000 लीटर था, तो यहाँ पर हो गए 1,600 रुपये कम हो गए भाई। तो 1,600 मान लो 1,800 1,718 के लगभग बिकता है एक टैंकर। तो कोई ना, मैं पूरा सेल नहीं करने वाला इस मिल्क को, वो बेस्ट प्राइस आएगी ना तब सेल कर दूंगा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए सेल किया था, तो इस वाले पे ड्राइवर साइन कर देता हूँ मैं। वैसे वो है तो थोड़ी दूर, लेकिन मैं कर देता हूँ फिर भी। आप लोग बोलोगे कि इतनी सी दूरी में ड्राइवर साइन कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया इस पे ड्राइवर को साइन। अब भी देखता हूँ दूसरे ट्रैक्टर का हाल कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस वाले पे हेल्पर लगाया था, तो ये काम कर रहा है अपना, ठीक है। यहाँ पर इस ग्रास को मूव करने के लिए मैं लगाया था, तो ये तकरीबन तकरीबन आधा जो फील्ड है वो मूव कर दिया इसने। और एक बार मैंने मूव किया है इसको, दूसरी बार रीमूव कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये एक बार में मैं उठाऊंगा इसको तो बहुत कम निकलेगा, तो और टाइम भी हमारा उतना ही लगेगा। तो इस वजह से 2-3 बार इसको काट के फिर उठाऊंगा तो वो सही रहेगा। तो और भाई मैंने काफ़ी स्क्रीनशॉट में और वीडियोस वगैरह में देखा है कि इस FS23 में है ना जो इस ग्रास की है वो कैपेसिटी है, स्टोरेज है, कि आप ज़्यादा बेल्स वगैरह नहीं बना सकते इसमें। नो मोर कैपेसिटीज, बेल सेलिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो यार मैं वो भी ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि इसमें आता सच में आता है कि नहीं आता है। काफ़ी स्क्रीनशॉट में और काफ़ी वीडियोस में देखा है मैंने कि आप ज़्यादा ग्रास को प्लांट नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा ग्रास रख नहीं सकते, उसको सेल करना ही पड़ेगा खेत में से, तब जाके वो और आप ग्रास मूव कर सकते हो। तो ये मैं आप करके देखना चाहता हूँ, अगर इस वाले फील्ड में होगा तो ठीक है, नहीं इस वाले में नहीं आएगा ना तो मैं एक और फील्ड में ये ग्रास जो है वो प्लांट कर लूँगा, फिर देखूँगा कि होगा कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो ये सही है, होगा मेरे हिसाब से। इस बार जो इसकी वो कैपेसिटी है वो फिक्स कर दी और जाइंट सॉफ्टवेयर वाला, क्योंकि जो FS20 में क्या हुआ था ना, वो हमने काफ़ी बेले बना बना के वो भंडार सा कर दिया था, तो उस वजह से शायद देख के जाइंट सॉफ्टवेयर वालों ने ये काम किया है कि ज़्यादा नहीं करनी, लिमिट के हिसाब से ही रखनी है इसको। तो लिमिट इसमें कर दी ग्रास की, ज़्यादा खेत में नहीं रख सकते। और FS20 में काफ़ी एक खेत में ये जो ग्रास की बेल्स हैं वो इकट्ठा हो जाती थी, तो इस वजह से शायद किया है। कोई ना, सही है, ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादा जो ग्रास की बेल रखेंगे हम तो वो फिर वही है कि फिर लेग करने लग जाएगा हमारा गेम, और अभी भी लेग कर ही रहा है, ठीक से चल नहीं रहा। शायद नेक्स्ट वाली वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वाली वीडियो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वाली अपडेट आएगी ना उसमें पिक्स हो जाए तो गुड मेरे लिए, तो बहुत ही वेरी वेरी गुड हो जाएगा भाई मेरे लिए तो, क्योंकि जो मेरी वाली प्रॉब्लम है ना वो पिक्स हो जाए, और जो लेग वाली प्रॉब्लम है ना वो पिक्स हो जाए भाई। लेग वाली प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान नहीं हूँ मैं, ज़्यादा परेशान हूँ तो उस क्रैश वाली प्रॉब्लम से,
वो वाली ठीक हो जाने तो भाई मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर मैं साइलेज जो बेल है वो साइलेज डाल आता हूँ उनको, क्योंकि साइलेज भी नहीं है उनके पास, तो साइलेज बेल मेरे पास है तो वो मैं डाल आता हूँ। तो ये देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें स्टोर कर रखी है इसमें। तो ये होगी स्ट्रो वाली और ये वाली है, और ये रही साइलेज। तो मैं एक काम करता हूँ, चार बेल जो है वो निकाल लेता हूँ इसमें, क्योंकि इतने ही खाएगी मेरे हिसाब से। और ये करिए मैंने स्टार्ट, और इधर हमारी जो चार बेल्स हैं वो आ चुकी हैं। ओके क्या कर दबा दिया मैंने, हाँ इस करता हूँ स्टार्ट, और इसको नज़दीक लाना पड़ेगा। अब जैसे ही नज़दीक लाओगे ना ये अपने आप पिक कर लेता है। अभी देखना ये देखो ये इसने कर लिया है इसको पिक, और ये इसमें जो ये ब्लेड लगे हुए ना इसको काट देते हैं भाई, इसको काट के और इसमें पीस देते हैं, जैसे चक्की आटा पीसती है ना उसी तरह ये पीस देते हैं इसमें, तो ये मिक्स हो जाता है। और इसी को फिर वहाँ पे जैसे स्ट्रॉ वगैरह डालते हैं ना तो उस तरह से फैला देते हैं, तो वहाँ पर वो खा लेती है उसको। और इसमें चार ही प्लेट आते हैं, चार से ज़्यादा नहीं आते, चार में फुल हो जाता है। तो सही है मेरे हिसाब से, तकरीबन एक बैल की कैपेसिटी जो है वो 4,000 लीटर के आसपास है। तो 4,000 लीटर के आसपास है, तो चार जो बैल के चार हमें हो गए 16,000 लीटर हो गया। तो 16,000 लीटर इसमें है अभी ये साइलेज, तो सही है। इसको मैं करता हूँ ओपन। और भाई जो इस वेयर हाउस में या फिर इस काउस फार्म में जो लाइटिंग का जो सेटअप है ना वो बहुत ही बहुत गुड है भाई, बहुत अच्छा लगता है रात को। और इसमें जो रेड कलर की लाइटें जुगती हैं, जो ये लग रही है ना लाइटें ये रेड कलर में जुगती हैं, तो ये बहुत ही सही लगती है रात के, रात को आप अगर यहाँ पे काम करते हो तो बहुत मज़ा आता है। अरे एक काम करता हूँ इसको बंद कर देता हूँ अभी मैं फिलहाल, क्योंकि जो हमारी जो काउस है वो बाहर निकल के भाग जाएगी। और अब देखता हूँ कि कितनी जो साइलेज है वो आई है अभी जो है। अभी भाई 24,000 लीटर आ चुकी है, क्या बात है। मैं तो 4,000 लीटर की है एक समझ रहा था, तो 24,000 लीटर यानी कि 6,000 के अराउंड एक की बेल की जो है वो कैपेसिटी है। हाँ 6,000 लीटर एक बेल की जो है वो कैपेसिटी है इसमें, तो चार बेल की हो गई 24,000 लीटर, तो सही है। मैं वैसे सोच रहा था कि फर्स्ट 20 में जो है एक बेल की जो कैपेसिटी थी ना वो 4,000 लीटर थी, तो इस हिसाब से मैंने बताया था। तो ये इसमें शायद चेंज कर दिया या फिर साइलेज बेल की अलग है, नो आइडिया, पर ठीक है। अभी ये उसमें शायद मेरे हिसाब से दो या तीन बेल और आ जाएंगी। तो ये वाली मैंने स्ट्रो वाली भी यहाँ बाहर रख दी, तो इस वाली का काम है, स्ट्रो भी डाल लिया था हूँ वैसे, क्योंकि स्ट्रो की जो वो मशीन है वो है हमारे पास। किधर खड़ा कर दिया मैंने, है कि नहीं भाई मेरे को याद भी नहीं कि स्ट्रो वाली की मशीन है या नहीं है। अबे नहीं है भाई, उसके लिए तो हमको वही करना पड़ेगा, वीट से वीट को उगाना पड़ेगा और फिर उसको वैसे ट्रेलर से ही डालना पड़ेगा, तो वो मैं डाल दूंगा फिर। तो यहाँ पर अबे इस हार्वेस्टर को नहीं लगाया भाई मैंने, ये गलती कर दी। अभी तक ये फील्ड हार्वेस्ट कर देता है और इसने ऑलमोस्ट कर दिया, दो तीन चार राउंड हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पर इसको करता हूँ डिस्कनेक्ट, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर हमने कोरोना प्लांट कर रखी है, तो कोरोना वाला हेडर ये वाला है। हाँ ये हो गया अटैच, तो इसको ध्यान, अबे यार इसको हेडर को मैंने गलत जगह पार कर दिया। अबे इधर यह ट्रैक्टर, तो यार मैं इनको ना सही से पार करना पड़ेगा, मैं कहीं भी छोड़ देता हूँ, जहाँ पे काम पूरा हो गया वहीं पे छोड़ देता हूँ, तो इस वजह से ये दिक्कत दे रहे हैं। तो इसको सही पार करना पड़ेगा, दूर दूर पार करना पड़ेगा, कि ये एक हार्वेस्टर वगैरह, एक हार्वेस्टर की लोग निकलने की जगह होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर फार्म हाउस पे तो वो हार्वेस्टर ही है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई चीज़ है हेडर लगा के। तो
वैसे चौड़ाई में बता रहा हूँ मैं कि अगर इससे चौड़ी जो चीज़ है ना वो नहीं है तो इस ये वाली निकल जाएगी ना हेडर, अगर अटैच करके आगे तो वो फिर वो ठीक है, अगर पीछे करके निकलेगी ना तो वो तो फिर शायद मेरे हिसाब से छोटी रहेगी, लेकिन ये हेडर अभी अटैच हो रखा है ना तो इस तरह से निकलेगी तो वो ठीक है, इसमें शायद दो तीन ट्रैक्टर आ जाएंगे। तो इसको करने देता हूँ मैं हार्वेस्ट। और अब इस वाले को, इसको अभी यहीं पे खड़ा रहने देता हूँ अभी, क्योंकि अभी जब वो हार्वेस्ट करेगा तो अभी तो उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी वो फुल होएगी तो भी इसको मैं लगाऊंगा, क्योंकि जो वो सीडर है ना पर उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पर जो हार्वेस्ट है वो जल्दी हार्वेस्ट कर देता है और वो सीडिंग का काम है वो धीरे करता है, लेकिन वैसे भी हमारे पास दो सीडर हैं तो जल्दी हो जाएगा, वैसे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं भाई। तो भाई यहाँ पर मैं इस वाले ट्रैक्टर के ट्रेलर अटैच करके ले आता हूँ, क्योंकि अब ये हमको कनोला जो है वो निकालनी है, और वैसे तो मेरे हिसाब से एक दो हार्वेस्टर भरेंगे इसमें, तो हमारा जो साइलो है वो दूर नहीं है, इसमें भी हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी वो प्रोडक्शन है वो चालू है तो इस वजह से डायरेक्ट हम वहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर एक साथ डाल के आऊँ, मैं थोड़ा थोड़ा डालता हूँ तो वो पता नहीं कब ख़त्म हो जाता है, तो मैं इस वजह से सोच रहा हूँ कि एक साथ मैं दो तीन ट्रेलर डाल दूँ उसमें, तो वो बार बार डालने की झंझट नहीं रहेगी, तो इस वजह से मैं साइलो में ही स्टोर करना चाहता हूँ क्रॉप को। तो यहाँ पर इसको खड़ा कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर खड़ा रहेगा सही है, और ये वाला ने कर दिया इसका काम तो इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, और अभी इसको ले चलता हूँ फार्म हाउस पे, क्योंकि ये वहाँ पर इसकी ज़रूरत है, वहाँ पे शीडिंग पे लगाते हैं इसको। अभी ये भी उठ रहा है भाई, लार्ज ट्रैक्टर भी उठ रहे हैं भाई, तो स्मॉल ट्रैक्टर तो क्या ही करेंगे, वैसे इतनी हैवी वेट लग रहा है पीछे तो ट्रैक्टर का उठना, तो जाहिर सी बात है कि उठेंगे। और इसको मैं अभी ठीक से पार्क करता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको कर दूंगा ना तो ये मोदा या टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाएगा ना, तो भाई ये इसको सीधा करना है ना वो महाभारत है, एक तो इस वाले को और जो हर्बिसाइड वाली है ना उस वाले को सीधा करना भाई बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। तो इसको मैं करता हूँ अटैच, और इसमें ग्रास सेलेक्ट कर रखा है तो मैंने वीट जो है वो कर दी है सेलेक्ट, क्योंकि जो है अभी प्रोडक्शन है वो शुरू करूँगा मैं वीट की, सोच रहा हूँ कि प्रोडक्शन शुरू करूँ, और बाकी आप कमेंट में बता देना कि किस चीज़ की मैं प्रोडक्शन शुरू करूँ, और आप लोगों का अगर कमेंट आएंगे तो मैं उस चीज़ पे प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करना चाहते हो आप, अगर अलग वीडियो देखना चाहते हो तो वो कर देना, कमेंट कर देना, मैं वो उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के कि मोड़ वगैरह पे ऐसा कमेंट मत करना, क्योंकि मैं मोड़ की वीडियो नहीं डालने वाला, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना ये वाला, ये भाई बहुत मेहनत के बाद इतना आया हूँ कि ये जो एक झटके में चला जाए मैं नहीं चाहता, कि FS20 में तो वो ओल्ड गेम हो गई तो इस वजह से उसमें इतना रिस्क है नहीं, फिर भी अभी है उसमें भाई रिस्क में, इसलिए धीरे धीरे करके सारी जो एक ईयर से पहले की जो वीडियोस है ना उसमें सारी को रिमूव करता जा रहा हूँ मैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। बाकी जो अदर वीडियो है ना उसको छोड़ के FS20 मोड की जो वीडियो है ना वो सभी को रिमूव कर रहा हूँ मैं, और इस वजह से मेरे व्यू भी डाउन हो रहे, लेकिन उससे अच्छा तो है कि वो चैनल जाए फिर से रीओपन करना पड़े तो फिर इतने सब्सक्राइब चले जाएंगे, एक पहले से ऑलरेडी मेरा चैनल गया हुआ है तो मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरा जो चैनल है वो जाए, तो मोड वाले तो कमेंट मत करना भाई, और मोड वाले बंदे हैं ना वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा ऐसा है नहीं भाई, तो गेम प्ले जो देखते हैं ना वही सब्सक्राइब करें, अगर मेरा जो वीडियोज है ना अच्छे लगे दिन दिन को वही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखेंगे नहीं यहाँ पर सब्सक्राइब करी किए होंगे तो वो फ़ायदा है नहीं उसका, और जो देखें वहीं सब्सक्राइब करें,
और सब्सक्राइब अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो ज़रूर कर देना भाई। और आप लोग आपके दोस्त लोग अगर आप 23 की या 20 की किसी भी फार्मिंग की वीडियो देखते हैं तो उनको भी शेयर करना अगर उनको अच्छी लगे तो वीडियो, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो लाना वाला हूँ। और जो मैं वॉइस वगैरह करता हूँ वो करता हूँ फ़ोन से, तो वो भी मैं अपग्रेड कर लूँगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। और FS22 की तो वीडियो डालना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि इतना बजट है नहीं, वो फ़ोन लेने की भी औकात नहीं है अभी तक, क्योंकि जो एक 10,000 की पेमेंट आती है ना वो भी 5-6 महीने से आती है, तो वो का ही कर लेगा बंदा 100-200 यू के अंदर। तो अभी तो भाई 100 भी नहीं आ रहे। तो भाई यहाँ पर लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर मैं देखा कि अभी 20 मिनट का जो है गेम प्ले हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा डालने का जो है वो कोई फ़ायदा है नहीं, और आप लोग देखते भी नहीं हो, तो मैं यहीं पे आज के गेम प्ले को जो एंड करने वाला हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक तो यही होगा FS23 का। तो तब तक के लिए बाय बाय।